नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 2 रुपए के नोटों के बारे में। जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के 2 रुपए के नोट आए, वो कैसे हैं दिखने में और उनकी कंडीशन के हिसाब से क्या प्राइस होना चाहिए। तो आज आप देख रहे हैं 2 रुपए का गांधी वाला नोट है। ये 2 रुपए का गांधी वाला नोट 1969 में आया था, जब गांधी जी के बर्थडे को 100 ईयर्स होते हैं। तो ये BN आद्रकर के सिग्नेचर वाला नोट है, ये ब्रांड न्यू कंडीशन में है। इसकी कीमत होती है 250 से 300 रुपये, और अगर ज़्यादा अच्छी कंडीशन में हो तो 400 से 500 भी होती है। इसके बाद आता है ये ग्रीन कलर का नोट, इसे हम ऑलिव बोलते हैं, ऑलिव कलर, ऑलिव ऑयल का कलर जैसा। ये देखिए, इसमें पीछे टाइगर बना है, हाफ टाइगर। ये नोट्स भी 1965 से 70 के बीच में आए हैं। इनकी कीमत है आज की डेट में 500 से 700 रुपये, अगर ये ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर हैं तो। इसके बाद सेम कलर है बट थोड़ा रेडिश कलर में आया है नोट, ये देखिए। इनका प्राइस भी सेम है, 500 to 700, अगर ये ब्रांड न्यू कंडीशन में है तो। इसके बाद एक ये आता है, इसे बोलते हैं हम डायमंड इशू नोट, और ये थोड़े चॉकलेट से रंग में होता है, ब्राउन ब्राउन। इसकी कीमत होती है 200 से 250 रुपये। इसके बाद ये आता है सैटेलाइट इशू, जो आर्यभट्ट सैटेलाइट पीछे बना हुआ है, बैकग्राउंड में अगर आप देखेंगे तो आर्यभट्ट सैटेलाइट का पिक्चर है। और ये देखिए सी नंगराजन के सिग्नेचर का नोट है, ये 10 से 15 रुपये नोट इसकी कीमत होती है। इसके बाद ये बंगाल टाइगर बैक साइड में, आगे से सेम है दिखने में, 2 रुपये का ये मनमोहन सिंह का नोट है, तो इसकी कीमत भी 10 से 15 रुपये होती है। तो ये कलेक्शन इजीली अवेलेबल है, अगर आप कलेक्ट करना चाहते हैं तो ये अच्छा है कलेक्शन, लेकिन ब्रांड न्यू नोट ही कलेक्ट करें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में जाके कमेंट करें। अगर आपको कोई और नॉलेज चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी तरह की बाई और सेल की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप हमें शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।